अनुराधा जी माँ, क्या हुआ कहिए? संगीत और जमुना की कोई खबर मिली? नहीं माँ, कब से जमुना को फोन कर रही हूँ पर लग नहीं रहा है। एक बार और कोशिश करती हूँ। क्यों रे गजा, तुझे मैंने अपना फोन चार्जर से निकालने के लिए कहा था ना, लाया क्या? हाँ दीदी, फोन लाकर वहाँ पर रख दिया है। अच्छा ठीक है। ये रख और जरा देख किसका फोन आ रहा है। क्या हुआ, किसका फोन है? एम, इंग्लिश में एम ए लिखा है। दे मुझे। अच्छा ठीक है, तू जा। हेलो, माँ बोल रही हूँ। कहाँ हो तुम? हूँ कहीं माँ, पर जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी सी बात पर सब छोड़ छाड़ कर चली गई? वो इतनी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी माँ। और उस बात पर घर क्या, मैं तो दुनिया भी छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ये आपकी बेटी के सुख की बात थी, आपकी बेटी की जिंदगी की बात थी। इसलिए ये सब क्यों किया जमुना, क्यों किया? इसके अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं था ना माँ। मैंने आपसे एक बार कहा था ना, आपको याद है कि मैंने आपसे कहा था, इस धरती पर ढोली की कोई कदर नहीं। इस धरती पर जो तबला बजाते हैं उन्हें तबलची नाम दिया जाता है। जो शहनाई बजाते हैं उनका कितना सम्मान है। जो पियानो बजाते हैं, जो लोग गाना गाते हैं, जो लोग बांसुरी बजाते हैं, उन सभी की बहुत इज्जत होती है माँ। लेकिन देखिए ना, उन्हें लगता है कि ढोल बस एक खिलौना है, ढोल बजाना कोई हुनर नहीं है, उनका कोई नाम नहीं, कोई सम्मान नहीं। तभी तो इस ढोली की बेटी की कोई कदर नहीं है माँ। ऐसी बातें मत करो प्लीज। अच्छा एक मिनट रुको, माँ को बात करनी है। क्यों जमुना, इस बुढ़िया को छोड़कर चली गई? सब ठीक कर दिया, सब अच्छे से हो गया। और तो और, मेरे बेटे केदार को शादी अच्छे से करवाने का दिया हुआ वचन तो चुपचाप निभा कर चली गई। तुम चली गई तो इस घर से जैसे खुशियां ही चली गई हैं जमुना। तुम लौट आओ, लौट आओ। घर बहुत खाली सा हो गया है, हम सब का तुम्हारी तरह ख्याल रखने वाला कोई नहीं। मत बुलाइए उसे। उसे आने की जरूरत नहीं। क्या समझती है वो? फोन मुझे दीजिए, मैं बात करता हूं। क्या सोचा था तुमने? तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। किसी गलत फहमी में मत रहना, बहुत अच्छी तरह से चलेगा। मैंने कह दिया, हमें याद भी मत करो, भूल जाओ, भूल जाओ, हम सबको हमेशा के लिए भूल जाओ। पापा, ये आपने क्या किया, क्या किया ये? क्या किया मतलब? वो कहीं जाने से पहले हमें बताएगी नहीं, ये बताकर नहीं जाएगी कि कहाँ जा रही है? उसके जाने से पहले मेरी बेटी की शादी हजार बार भी क्यों ना टूटी होती, चाहे कभी उसकी शादी ही ना होती, पूरी जिंदगी कुंवारी रहती, पर मैं उसे इस तरह जाने नहीं देता, रोक लेता मैं उसे। क्या किया उसने, ये क्या कर दिया जमुना ने? भूल जाऊं कैसे, भूल जाऊं? आप लोगों को भूलना मुमकिन है क्या? कैसे भूल सकती हूं मैं आपको? क्या हुआ, फोन आया था?
जमुना प्लीज रोना बंद करो। आप चलो। कहाँ? पहले चलो ना। अरे पहले कुछ खा तो लीजिए। अब नहीं खाना, पहले चलो तुम। अब अरे रासलीला। देखो घर का दामाद कैसे लीला रच रहा है, रासलीला। वैसे भी अरे काली, खाली हाथ क्यों खड़ा है, जाकर ढोल ले आ, ढोल बजा। हमारे दामाद जी ढोल की ताल पर नाचेंगे। भगवान कसम जमुना, तुम दोनों को देख कर ना मेरा दिल भी बड़ा रोमांटिक रोमांटिक हो जाता है। तुम्हारी बहन को भी मैं तुम्हारी बहन को भी ऐसे ही बस अब और नहीं, एक भी शब्द नहीं। औरतों का नाम जरा सम्मान से लेना सीखिए, नहीं तो आपकी जबान को काट कर फेंक दूंगा। अच्छा, मेरे गांव में खड़े होकर मेरी जुबान काटने की बात कर रहे हो। ओ काली, काली याद है ना तुझे यहीं पर मारा था, याद है ना? अब अगर तूने फिर से लाठी उठाई ना तो तुझे ऐसी मार मारूंगा कि ढोल की ताल भूल जाएगा। चलो जमुना यहां से। गलत किया दामाद जी ने, मेरे साथ बहुत गलत किया। जिस लड़की का नाम लेने पर वो मेरी जुबान काट कर फेंकने की बात कर रहा है, उस लड़की की जुबान पर तो हमेशा एक ही नाम रहेगा, भूषण चाचा। भूषण चाचा, भूषण चाचा। गीत उठो गीत। अरे ये तो सुनी नहीं रही है। गीत उठो। अरे सोने दो ना माँ, ये कौन है मुझे सोने नहीं दे रहा है, देखो। गीत, माँ को क्यों बुला रही हो, सुबह हो गई है। सोने दो मुझे। हे भगवान, ये तो पूरी लेडी कुंभकर्ण है। उठो गीत।
गीत। अरे क्या हो गया? अरे उठो, सुबह हो गई है। वेद, तुम यहाँ पर, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? गीत, अब हम शादीशुदा हैं। कब हुई शादी? तुम्हारी शादी हो गई है। किसके साथ? क्या, मेरे साथ? नींद में सोते सोते शादी भी हो गई? गी, 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 देखो देखो मुझे देखो, तुम नींद में ऐसा करती हो क्या? मैं इतनी सुबह सुबह नहीं उठती हूँ, मुझे नींद आ रही है, जाओ तुम। अरे अरे सुबह कहाँ, बहुत देर हो गई है, 10:30 बज रहे हैं। गीत गीत, तुम्हारी शादी हो गई है, कल हम दोनों की शादी थी, रज जगा की रस्म छोड़कर तुम यहाँ आकर सो गई। गीत उठो, वी आर मैरिड, अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है जमुना। मेरी शादी टूट रही है। तुम्हारी तुम्हारी ढोली की पहचान अब तक मिटी नहीं है। तुम्हारे ढोली होने की वजह से मेरी शादी टूट रही है आज जमुना। तुम मेरी ढोली की बेटी हो और तुम हमेशा जमुना ढोली ही रहोगी, ढोली ही रहोगी, ढोली ही रहोगी, ढोली ही रहोगी। वेद भैया और जमुना भाभी कहाँ हैं? माँ, माँ, माँ। गीत गीत, क्या हुआ? माँ। अरे माँ माँ, क्या? सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, इधर आओ। माँ को क्यों बुला रही हो? माँ और बाकी सब, वो सब थके होंगे, सो रहे होंगे। देखो तुम पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद। उसके बाद क्या? उसके बाद विदाई होगी, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। इस घर से मेरी विदाई नहीं होगी वेद। विदाई नहीं होगी मतलब? मतलब इस घर से मेरी विदाई नहीं होगी वेद। क्या बोल क्या रही होगी? गीत गीत, तुम मेरे घर नहीं आओगी? तुम्हारी विदाई नहीं होगी? नहीं होगी विदाई। जिस लड़की ने इतनी तकलीफें सहकर मेरी शादी करवाई, मेरे लिए सबसे झगड़ा किया, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त की, वही लड़की जब तक मेरे घर आकर मुझे यहाँ से विदा नहीं करेगी, तब तक मेरी विदाई नहीं होगी वेद। क्या कह रही हो तुम? हाँ वेद, जब तक कि खुद जमुना भाभी आकर मुझे इस घर से विदा नहीं करेगी, तब तक इस घर की बेटी इस घर से विदा नहीं होगी। गीत, वो लोग यहाँ है नहीं, घर छोड़कर चले गए हैं। घर छोड़कर चले गए हैं? ये कहो कि तुम लोगों ने उसे इस घर से निकाल दिया है। तुमने, तुम्हारे पापा, तुम्हारे ताऊजी, तुम्हारी माँ, सबने मिलकर प्लानिंग करके जमुना को इस घर से निकाला है। प्लीज गीत, मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ, मैंने उसे नहीं निकाला। माना, तुमने भले उसे नहीं निकाला, पर ये तो मानो कि तुम्हारे परिवार वालों ने उसे निकाला है। और जब तक उसे इस घर में वापस नहीं लाया जाएगा, तब तक मैं इस घर से विदाई नहीं लूंगी वेद, याद रखना। गीत गीत, तुम ऐसी जिद क्यों कर रही हो? मैं ऐसे ही जिद करूंगी वेद, मैं ऐसे ही जिद करती रहूंगी। वो क्या समझती है खुद को? जमुना ढोली ने खुद को समझ क्या रखा है कि सबका भला वो कर सकती है, सारे त्याग क्या वो कर सकती है? मैं भी कर सकती हूँ वेद, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी केदार राय की बेटी हूँ। वो जो जो कर सकती है, मैं भी वही वही कर सकती हूँ वेद। सब ठीक ही कहते हैं, वो एक ढोली की बेटी है, वो सच में एक ढोली की बेटी है। मेरी शादी करवाने के लिए वो घर छोड़कर चली गई, अपनी गृहस्थी छोड़कर चली गई वो। क्या मैंने उसे कहा था घर छोड़कर जाने के लिए? मैंने उसे एक बार भी नहीं कहा वेद। मैंने प्लीज रो मत वेद, तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। जब तक कि जमुना भाभी यहाँ आकर मुझे घर से विदा नहीं करेगी, तब तक मैं इस घर से विदाई नहीं लूंगी वेद, नहीं लूंगी, नहीं लूंगी विदाई मैं। छोटे मालिक, आपकी चाय। बाबा, आपको भी चाय देती हूँ। आप नाश्ता साथ में करेंगे ना? हाँ, करूँगा करूँगा। तब तक दामाद जी के साथ शादी की तैयारियों को लेकर थोड़ी बातचीत करा था। रुको, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। हाँ,
हेलो, मैं वेद बोल रहा हूँ। वेद, वेद कैसे हो तुम लोग? वहां पर सब ठीक है ना? अच्छा, शादी अच्छे से हुई ना? मतलब कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, शादी सब ठीक से हो गया। लेकिन इस वक्त मैं ठीक नहीं हूं। ठीक नहीं हो मतलब? वेद, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? ठीक नहीं हूं मतलब उसकी वजह है गीत। गीत? गीत ने ऐसा क्या किया? तुम दोनों की शादी तो अब हो गई है, तो गीत ने कुछ किया है क्या? नहीं। अच्छा, सखी से बात हो सकती है क्या? क्या क्या हुआ है तो मुझे बताओ ना। प्लीज फोन सखी को दो ना। जमुना, वे तुमसे कुछ बात करना चाहता है। हाँ बोलो वेद। सखी, सखी तुम वापस आ जाओ। ये क्या बोल रहे हो वेद? हाँ सखी, सखी तुम लौट आओ, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। वापस लौटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उस घर से अगर संबंध रखा तो तुम्हारी माँ, तुम्हारे ताऊजी, तुम्हारे पापा, तुम तो सब जानते ही हो ना। शादी में जो भी हुआ था वो मुझे अच्छी तरह याद है। जिस खानदान के बेटे की बहू एक ढोली की बेटी हो, उस परिवार में हम लोग अपनी बेटी देंगे भी नहीं और उस परिवार की बेटी लेंगे भी नहीं। जब तक तुम इस परिवार में रहोगी, तब तक मैं इस परिवार में अपने बेटे की शादी नहीं करवाऊंगा। बस एक बार आ जाओ, बस एक बार वापस आ जाओ जमुना, प्लीज प्लीज सखी वापस आ जाओ। नहीं तो क्या? नहीं तो विदाई नहीं होगी। गी? हाँ, मेरी विदाई नहीं होगी। सुनो ढोली, गंगा ढोली की बेटी, सब कुछ तो तुमने जलाकर राख कर दिया है। तुम्हें इस घर में आने के लिए किसने कहा था? बताओ, किसने कहा था तुम्हें इस घर में आने के लिए? मैंने तो तुम्हें पहली बार में ही इस घर से निकाल दिया था। याद होगा तुम्हें, मैंने तो तुम्हारे ढोल को भी तोड़ने की कोशिश की थी। बहुत अत्याचार किया है तुम पर। उसके बाद भी तुमने ये सब मेरे प्यार में भुला दिया था। मुझे खाना बनाना सिखाया, घर के काम करने सिखाए, पूजा करनी सिखाई, व्रत रखना सिखाया, ये सब कुछ तुमने ही तो मुझे सिखाया। हर वक्त मुझसे कहती रही ये करोगी वो करोगी, ससुराल वालों का दिल जीतो। तुमने मेरा माँ की तरह साथ दिया। देखो, मैं मानती हूँ मुझसे भूल हुई है। मैंने तुम्हारे साथ शादी के मंडप पर बहुत बुरा बर्ताव किया, पर तुम भी तो एक बार सोचो, एक लड़की के लिए शादी के मंडप पर ये सब होना कितनी बेइज्जती की बात होती है। उससे कहा कि उसके पति को शादी के मंडप से उठाकर ले जाएंगे। देखो, उस वक्त मेरे सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने गुस्से में कह दिया कि मेरी शादी तुम्हारी वजह से टूट गई है, मुझसे भूल हो गई है। मैं कह रही हूँ ना कि मुझसे भूल हो गई है। मैं गीत राय जमुना भाभी से माफी मांगती हूँ। एक बात मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ जमुना, विदाई के लिए जिस तरह मेरी माँ इम्पोर्टेंट है, उतनी ही जमुना तुम भी इम्पोर्टेंट हो। और अगर तुम नहीं आई तो किसी भी कीमत पर मेरी विदाई नहीं होगी जमुना। मेरी इस घर से विदाई नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, बस। गीत, गीत मेरी बात तो सुनो। गीत, क्या हुआ, क्या कहा उसने? गीत जिद कर रही है। क्या? कि अगर मैं नहीं गई तो विदाई नहीं होगी। मतलब? अब मैं क्या करूं बताइए, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है। जमुना जल्दी चलो। हाँ नहीं, पर नहीं छोटे मालिक, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैंने वेद की माँ, पापा, ताऊजी से वादा किया है कि उस घर से कोई संबंध नहीं रखूंगी, और अगर मैं वहां गई तो वेद के घर में अशांति होगी। गीत पर वो लोग मानसिक अत्याचार कर सकते हैं, गीत को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि गीत को घर पर वापस छोड़ जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है छोटे मालिक, बिल्कुल हो सकता है।
और उस वक्त वेद भी कुछ नहीं कर पाएगा। आदमियों की हालत तो आप अच्छे से समझते हैं। ऐसी हालत हो जाएगी कि ना उगलते बने ना निकलते बने। नहीं नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी, किसी भी हाल में वहां नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। सुनो वेद, विदाई के समय अगर मेरी भाभी आकर मेरी विदाई नहीं करवाएगी तो फिर मैं भी अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। गीत, गीत देखो मेरी बात सुनो, बात समझने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे कहता हूँ, बस थोड़ा समय दो। समय नहीं है वेद, लड़की की विदाई बस एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। और मेरी विदाई के समय अगर मुझे मेरी माँ के साथ जमुना भाभी खड़ी नहीं दिखी तो मैं किसी भी कीमत पर इस घर से विदा नहीं होंगी। वेद याद रखना। देखो देखो, मेरी माँ और पापा कुछ दिन बाद ही विदेश लौट जाएंगे, तो मैं क्या करूँ वेद? देखो वेद, मैं तुम्हारे ताऊजी, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ का पूरा सम्मान करती हूँ, पर मैं भी जमुना भाभी के बिना विदा नहीं होंगी वेद। लेकिन 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 कुछ नहीं। देखिए मिस्टर वेद, आपको अगर मेरे साथ गृहस्थी शुरू करनी है तो फिर मेरी विदाई पर जमुना यहाँ होनी चाहिए, और जमुना यहाँ कैसे आएगी ये तुम सोचो। गीत, गीत, गीत ऐसा मत करो गीत, गीत। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है, मेरी हालत तो ऐसी हो गई है जैसे आगे कुआं पीछे खाई और बीच में मैं, अब मैं क्या करूं? सखी, सखी ही मुझे बचा सकती है, सखी। हेलो। हाँ भैया, भैया मेरी बात सुनो ना, अब तुम्हारी बहन से मेरी शादी हुई तो तुम भी मेरे भैया हुए ना। भैया, अब तुम ही मेरा उद्धार करो। उद्धार उद्धार कर दूं मतलब? भैया भैया मतलब सखी नहीं आई तो गीत विदाई नहीं करवाएगी। तुम बात समझ रहे हो ना? बहु बात, उसके बाद रिसेप्शन, कितने सारे लोग आने हैं, पर गीत गीत नहीं हुई तो तुम समझ रहे हो ना मेरी परेशानी? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन लेकिन सखी तो सब कुछ सॉल्व कर देती है, वो तो बहुत समझदार है, वो जरूर समझेगी। एक बार के लिए बस एक बार के लिए सखी को ले आओ, सखी बस आकर गीत को विदा कर दे प्लीज। अब वेद, पर कहीं अगर तुम्हारे माँ बाप ने उसका अपमान किया तो? भैया वो मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मेरी लाइफ की चाबी अब सखी के हाथों में है, जब तक वो स्टार्ट नहीं करेगी तब तक गाड़ी चालू नहीं होगी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसे वहां ले जाना बहुत मुश्किल काम है, पर कोशिश करता हूँ, जाके देखता हूँ कि मैं अपनी हीरे जैसी बीवी को मना पाता हूँ कि नहीं। ओके। मोहन बोल रहा हूँ। दीदी, जीजा जी ने फोन किया है। धत, कुछ भी बोलता है। बाबा, ओ बाबा। क्या हुआ? बाबा नहीं, जीजा जी ने फोन किया है। अरे चुप। जीजा जी नहीं, पहले शादी हो जाए उसके बाद बोलना, तू जा। बाबा बोल रहा हूँ। चरण स्पर्श प्रणाम स्वीकार करें। हाँ हाँ बेटा, तुम भी मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो और अच्छे से रहो। अच्छा बेटा, तुमने मुझे फोन क्यों किया? हाँ, दरअसल मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि परसों ना मैं शगुन की हल्दी भिजवाऊंगा, और उसके बाद आपकी बेटी सजेगी सवरेगी, बस उसके बाद आप एक अच्छी सी गाड़ी भिजवा दीजिएगा। और बाबा, गाड़ी अगर थोड़ी महंगी हो तो अच्छा रहेगा। महंगी गाड़ी? हाँ, वो दरअसल मेरे दोस्त रिश्तेदार भी होंगे ना, तो गाड़ी थोड़ी महंगी होगी तो अच्छा लगेगा बाबा। ठीक है, तो फिर मैं महंगी गाड़ी भेज दूंगा। हाँ, और मेरे साथ बाराती भी आएंगे। हाँ हाँ, तुमने बताया था कि द्वारचार के बाद कुछ लोग रहेंगे वहाँ। नहीं बाबा, वो थोड़े लोग और बढ़ गए हैं, मतलब यही कुछ आप लगा लीजिए कि 100 लोग होंगे।
क्या कह रहे हो बेटा? 100 बाराती लोग आएंगे। हाँ, और खाने में सभी को अच्छा ही खिलाइएगा। जैसे खाने में दोनों चीजें रखिएगा, मीट भी और मछली भी। मीट मछली? जी जी, बस इतना ही। ज्यादा कुछ नहीं, इतना बहुत है। सभी का खास ध्यान रखिएगा। अच्छा तो मैं रखता हूँ। हाँ नहीं, लेकिन मेरी एक बात तो। हेलो, क्या हुआ बाबा? बेटा, लड़के के घर से फोन आया था। किसने फोन किया था? खुद दूल्हे ने ही फोन किया था बेटा। कह रहा था कि उसे और बारातियों को लाने के लिए एक महंगी गाड़ी भिजवानी पड़ी और बारातियों की गिनती भी अब 20 से बढ़ करके एकदम से 100 के करीब हो गई है। और खाने पीने की भी बात की है, उन्होंने कहा कि मीट मछली सभी की व्यवस्था करनी होगी। ये क्या कह रहे हैं बाबा, इसके लिए तो हाँ, बहुत पैसे लगेंगे। हाँ बेटा, अब उनकी ये सभी मांगे पूरी करने के लिए थोड़े और ज्यादा पैसे तो लगेंगे ही। अब इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। हे भगवान, इतने कम वक्त में मैं किस मुसीबत में पड़ गया। मेरा लड्डू सोना, लड्डू काली, मेरे लड्डू सोना की शादी है। ला। अरे कृष्णा, अपने नाजुक नाजुक पैर तू मेरे घर में रखने वाली है, हैं? जमुना, इस बार तू अपनी बहन को इस मुसीबत में पड़ने से नहीं बचा पाएगी। उस दिन मेरे मुंह पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना तू, आज तेरी वजह से ही मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तेरी बहन की शादी के बाद जब तुम लोग चैन की नींद सो रहे होंगे, तब मैं तेरी बहन की सुंदर आंखों से नींद उड़ा दूंगा, क्योंकि मेरी सुहाग रात होगी। कुल 4,360, इसमें कुछ और जोड़ घटाकर। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ। नहीं छोटे मालिक, आपके पैसे मतलब मेरे ससुराल वालों के पैसे, और अपने ससुराल वालों के पैसों से मेरी बहन की शादी नहीं होगी। जमुना, माफ कर दीजिए छोटे मालिक, ऐसा करने से बाबा का सम्मान जाएगा। लेकिन इतने पैसे फिर आएंगे कहां से? मैं काम करूंगी, ढोल बजाऊंगी, मैं फिर से ढोल बजाऊंगी। लेकिन जमुना, अभी कौन सा आयोजन है जो तुम्हें काम मिल जाएगा? ढूंढूंगी, मैं काम ढूंढूंगी, कुछ तो मिल ही जाएगा। ये जमुना ढोली फिर से ढोल बजाएगी। हाँ, मैं फिर से ढोल बजाऊंगी। नहीं जमुना, जमुना तुम राय परिवार की बहू हो, तुम ऐसा मत करो। क्यों? इस ढोली जमुना से ही तो आपको प्यार हुआ था ना, तो फिर आज ढोल बजाने से मना क्यों कर रहे हैं? शर्म आ रही है? नहीं नहीं जमुना, मेरा वो मतलब नहीं। मुझे ढोल बजाने दीजिए छोटे मालिक, परसों मेरी बहन की शादी है, बहुत पैसे चाहिए, और इतने पैसे इस समय केवल मुझे मेरा ढोल ही दिलवा सकता है, और ये काम करेगी ये ढोली।
जमुना ढोली। गीत, सुनो गीत, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रेडी हो जाओ, फ्रेश हो जाओ, तुम्हारी विदाई का समय हो रहा है ना, जाओ। मन खराब मत करो, सभी को ही एक दिन ससुराल जाना ही होता है ना। मन छोटा मत करो बेटा, जाओ तैयार हो जाओ। मेरा मन मन कुछ खराब नहीं है माँ। क्या मतलब मन मन खराब नहीं है? मतलब मेरा मन मन खराब नहीं है, बस यही माँ। मैं इस घर से कहीं नहीं जा रही हूँ। नहीं जा रही हूँ मतलब, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं इसी घर में रहूंगी, मैं यहीं पर जमकर बैठी रहूंगी। अब गीत तुम्हें क्या कह रही हो, दिमाग खराब हो गया है? देखिए ना माँ, मैं इसे कब से समझा रहा हूँ पर ये मान ही नहीं रही। मैं मान रही हूँ। गीत, हाँ मैं मान नहीं रही हूँ, तुम्हें मेरी बात नहीं। छोड़ो माँ, तुम चुप रहो, अब कुछ नहीं बोलोगे, तुम समझ आई? तुम्हें कुछ नहीं बोलोगे वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? देखो ना माँ, देखो। गीत, क्या हो क्या रहा है ये सब? गीत, क्या क्या बोल रही हो तुम? सर फोड़ दूंगी मतलब क्या है इसका? बोलो तो और क्या करूँ मैं, बताइए क्या करूँ मैं? चाचू बताइए, दादागिरी दिखा रहे थे ना, दादागिरी। हाँ, एक तो उस ताऊ ससुर को उठाकर ले आए, अब ताऊ ससुर को भी मैंने नाको चने ना चबवाए ना, तो मेरा नाम भी गीत राय नहीं। और मेरी इस बात को पत्थर की लकीर समझ लो आप सब। देखा माँ, देखा, यही सब बोलती रहती है। यहाँ पर आओ, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें यही सिखाया है क्या? ये क्या पागलपन कर रही हो? जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, ठीक से तैयार हो जाओ। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, तुम गीत यहाँ बैठो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जल्दी चलो, डोली तैयार है, पता है बहुत सुंदर डोली सजवाई है। तुम पहले गेट तक डोली में जाओगी और फिर गाड़ी से ससुराल जाओगी। नहीं, मैं डोली से उतरकर बस से जाऊंगी। बस से जाओगी? मैं बस में लटकते लटकते जाऊंगी। अरे क्या बोल क्या रही होगी, अजीब नहीं लगेगा क्या कि घर की नई नवेली दुल्हन बस में लटक कर जा रही है? हा? मैं तो बस से लटक लटक कर ही जाऊंगी और मेरे पीछे पीछे रहेगा मेरा ये पति। कंडक्टर से टिकट लेकर पूरी बस में घूम कर फिर बस स्टैंड पर उतर कर मैं पैदल पैदल चलकर अपने ससुराल जाऊंगी। अच्छा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या गीत? ये सब क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना गीत? गीत, गीत, मेरी बात सुनो, तुम अपना दिमाग ठंडा करो। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? बचपना कर रही हो कि बस से जाओगी? आखिर क्यों बस से जाओगी तुम? माँ, मैंने आपसे कह दिया तो कह दिया, मैं बस से ही ससुराल जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। माँ, माँ, आप इसे कुछ समझाइए ना। तुम चुप खड़े रहोगे? तुम्हें देखकर तो मेरा मन कर रहा है कि क्या सुनना चाहते हो? मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें गोली से उड़ा दूं। देखा ना, सुना ना आप लोगों ने, ये क्या बोल रही है? सुना ना, क्या कह क्या रही होगी? पागल हो गई हो क्या? आपकी बेटी ना गुंडों की तरह बात कर रही है। सही बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। अच्छा, तुम्हारी परेशानी क्या है, बताओ तो क्या हुआ है? मैं भी तो तब से यही पूछ रहा हूँ भाभी कि आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम बताओ। अरे पहले तुम अपनी दिक्कत तो हमें बताओ, मैं सुन रहा हूँ। बताती हूँ, जमुना भाभी अगर नहीं आई तो मैं इस घर से विदाई नहीं लूंगी। जमुना नहीं आई तो तुम्हारी विदाई नहीं होगी? हाँ, नहीं होगी। और मैं ये आप सबसे कह रही हूँ कि किसी भी तरह मैं इस घर से विदाई नहीं लूंगी।
जमुना जब से शादी करके इस घर में आई है उसने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या किया है ये आप सब जानते हैं। आपको पता है उसने मुझे ट्रेनिंग दी, मुझे खाना बनाना सिखाया, घर के काम करने सिखाए, व्रत पूजा, सरसों वाली आइलिश फिश, सरसों वाली आइलिश है ना वेद। अब तुम्हारे ताऊजी को मैं बनाकर खिलाऊंगी सरसों वाली आइलिश फिश, वो याद रखेंगे वो जिंदगी भर। देखिए माँ फिर शुरू। गीत क्या कर रही हो, वेद से ठीक से बात करो, क्या तुम्हें हो क्या गया है? क्या ठीक से बात करूँ माँ और क्यों ठीक से बात करूँ आप ही बताइए मुझे। हा? बहुत परेशान किया है इन सब ने, बहुत परेशान किया, इतना कह दिया कि शादी के मंडप से खुलेगा उठा कर ले जाएंगे। गए क्यों नहीं तुम, गए क्यों नहीं तुम, जाते तो कम से कम मैं बच जाती, कम से कम मेरे सर पर से इतना बड़ा बोझ उतर जाता। बोझ हूँ मैं? देखा माँ, देखा ना मुझे बोझ बोल रही है। अरे क्या हो क्या रहा है, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे तुम दोनों कब तक ऐसे लड़ते रहोगे, अपना संसार नहीं बसाना है क्या तुम दोनों को, घर परिवार नहीं चलाना है क्या? घर परिवार है? इसके साथ कौन संसार बसाएगा, क्या घर बसाऊंगी इसके साथ मैं, इसके गले में रस्सी डालकर पूरा दिन गोल गोल घुमाऊंगी और कीर्तन भी ना। हा? अगर मैंने अपने ताऊ ससुर और वेद के पापा को एक साथ बैठाकर उन्हीं के घर में उनसे कीर्तन ना करवाया ना तो मेरा नाम भी गीत रायनी में, कह रही हूँ सबसे, मेरा नाम भी गीत रायनी। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, जो करना है कर लेना। उफ, अब तो तुम शांत हो जाओ, अरे दिमाग इतना क्यों गर्म कर रही हूँ। अच्छा सुनो ना गीत, तुम अपना दिमाग शांत करो और थोड़ा चुप हो जाओ बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते हैं। क्या बात है बताओ, तुम अब बहुत ज्यादा ही मनमानी कर रही हो। माँ तो है ना, तो फिर इतना जमुना जमुना क्यों कर रही हो बताओ। माँ ही तो बेटी को विदा करती है और फिर तुम्हारी चाची है, बुआ है। इस घर में मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं, और एक जो थी उसे निकलवा दिया इस आदमी की वजह से, इस आदमी की वजह से वो एक छोड़ छोड़ो उसे, की छोड़ो उसे, इसे छोड़ो, इसे आज मैं, इसे आज मैं नहीं छोड़ूंगी माँ, छोड़ी, अरे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। चाचा जी आपने मैं आज मैं नहीं छोड़ूंगी, मन तो कर रहा है कि तुम्हारा मैं सर फोड़ दूं सर। रुक जाओ रुक जाओ गीत, वेद को चोट लग जाएगी। ये देखिए माँ, देखिए ना क्या कह रही है, कह रही है मेरा सर फोड़ देगी। शादी हुई नहीं कि बवाल मचा रही है? ओ मैं बवाल मचा रही हूँ? हाँ मैं बवाल मचा रही हूँ, इसका मतलब मैं बुरी बीवी हूँ ना, बुरी बीवी हूँ है ना। बोलो बोलो वे, तुम्हारे माँ पापा ने क्या किया था? ओ नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे माँ पापा और ताऊजी इन तीनों ने क्या किया है बताओ, जमुना को इस घर से निकलवा दिया। हाँ सुनो वे सुनो, जब तक जमुना यहाँ नहीं आ जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। जाना तो तुम्हें होगा ही गीत। पापा? हाँ जाना तो तुम्हें होगा ही, क्योंकि यही रिवाज है। पापा मैं जानती हूँ, पर जिस लड़की ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरे लिए जिस लड़की ने इतना कुछ सहा है, वेद के ताऊजी ने, उन्होंने मुझसे जो जो परीक्षा करवानी चाहिए मैं सब परीक्षाओं में सफल रही हूँ, सिर्फ सिर्फ उस लड़की जमुना की वजह से पापा, इसलिए उसे लाना ही होगा। वो जब तक इस घर में लौट नहीं आती मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। ओ बहुरानी। ए, अरे बहुरानी तैयार हो ना, आपके द्वारा भेजी गई मिठाइयाँ जब हम लोगों ने खाई, वाह क्या स्वादिष्ट थी, मजा आ गया। लो आ गए भक्षासुरों के लीडर। आहिस्ते आहिस्ते बोलो, वो हंस क्यों रहे हो? नहीं नहीं वही बस भक्षासुर। भक्षासुर मतलब? भक्षासुर मतलब वो जो भक्षा जो आकाश में उड़ता है ना, वही जो उड़कर घूमता है गोल गोल, मतलब वही और क्या। क्या? नहीं नहीं आपके बारे में कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ बहुरानी तुम अब लेट मत करना, क्योंकि शुभ मुहूर्त निकल जाएगा और बाहर तुम्हारी डोली वगैरह सब कुछ तैयार है। बहुरानी जाओ तुम जल्दी जाकर तैयार हो जाओ ना। नहीं मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं बस में लटकते लटकते जाऊं।